आपको भी पैसों की यहाँ पे जरूरत पड़ चुकी है और पैन कार्ड साथ में आधार कार्ड के बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे लोन अप्लाई करने के पे सोच रहे हो, तो आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा, इस एप्लीकेशन से आप 1,000 से लेकर 2,00,000 रुपए का यहाँ पे लोन ले सकते हैं और इस लोन को आप किसी भी क्यूआर कोड पे स्कैन करके आप अपने बैंक अकाउंट में इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको जो टाइम मिलेगा पूरे 40 दिन का टाइम मिलेगा, आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट के ऊपर आपको इस एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो किसी प्रकार की बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाले, इंस्टेंट आपको इस एप्लीकेशन पे लोन का यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा। तो अब मैं चलता अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आपको प्रॉपर डिटेल यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसी लोन एप्लीकेशन बताऊंगा, इस एप्लीकेशन से आप 1,000 से लेकर 2,00,000 रुपए का यहाँ पे लोन ले सकते हैं और इस लोन को आप इंस्टेंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी यहाँ पे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रांसफर का और दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको स्कैन पे का। आप यहाँ पे स्कैन पे करके किसी भी क्यूआर कोड पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे इस लिमिट को यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको जो टाइम मिलेगा पूरे 40 दिन का टाइम मिलेगा, आपको 1 रुपए का भी यहाँ पे ब्याज नहीं देना, जितना आपको यूज करना है उतना इनको यहाँ पे वापस कर देना है। और जो एप्लीकेशन है एकदम आरबीआई से अप्रूव्ड एप्लीकेशन है, आज मैं आपको इस एप्लीकेशन का जो लोन है तो लाइव प्रूफ यहाँ पे अप्लाई भी करूंगा और अपने बैंक अकाउंट में आपको लेके भी यहाँ पे दिखाऊंगा। अगर आपको भी एक ऐसी एप्लीकेशन की तलाश है जहां से आपको 1 रुपए का भी ब्याज देना ना पड़े और 0% इंटरेस्ट पे आप इसकी लिमिट को इंस्टेंट सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही आप इस लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर यहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे जो स्टार्टिंग पे लिमिट मिली थी तो मुझे 2,500 रुपए की यहाँ पे लिमिट मिली थी। तो हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं आपको स्टार्टिंग पे थोड़ी कम लिमिट मिल जाएगी, पर इसी लिमिट का आपको फायदा यह है कि आपको 1 रुपए का भी ब्याज नहीं देना। अगर आपको इंस्टेंट पैसों की जरूरत है तो आप इसकी लिमिट से इंस्टेंट पैसे अपने बैंक अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको रिपे का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपने इसकी लिमिट को पूरा यूज कर लिया तो आप इसको मिनिमम पे भी पे कर सकते हैं और साथ में आप इसको ईएमआई के ऊपर कन्वर्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप इसको 1 तारीख को यूज करते हैं तो आपको पूरे 40 दिन का टाइम मिल जाएगा आपको जिसको बिल को पे करना है, तो 10 अप्रैल को यहाँ पे मैंने इस बिल को यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाकी की लिमिट में यहाँ पे यूज कर चुका हूं, तो यहाँ पे एक अच्छी एप्लीकेशन है और एकदम ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, एकदम सिक्योरिटी वाली एप्लीकेशन और आरबीआई अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आज मैं आपको इसकी लिमिट अपने बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफर करके दिखाऊंगा और एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है और कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको सबसे पहले इसके होम पेज पे आ जाना है। तो जैसे आप इसके यहाँ पे होम पेज पे आएंगे तो आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको स्कैन पे, अगर आपको यहाँ पे शॉपिंग करनी है कहीं पे भी रेस्टोरेंट में कहीं जा रहे हो तो वहां पे आपको क्यूआर कोड मिलता तो आप इसकी लिमिट से क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इसकी लिमिट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक भारत पे का क्यूआर कोड है तो मैं इसकी लिमिट को भारत पे के क्यूआर कोड पे भी स्कैन कर सकता हूँ। अगर आपको इसको अपने खुद के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, आपके पास एक गूगल का मर्चेंट का क्यूआर कोड है या आपके पास सिंपल क्यूआर कोड है तो आप इसको सिंपल क्यूआर कोड पे भी अभी यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने इस लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाऊंगा और एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है तो उसके लिए आपको वीडियो को एकदम लास्ट तक यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। तो जैसे आप ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे आपको टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको सेल्फ ट्रांसफर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। आपको करना है सेल्फ वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। तो जैसे आप सेल्फ वाले ऑप्शन पे आपको टैप करेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ मेरा बैंक का यहाँ पे नाम आ रहा है और उस नीचे की तरफ 875 रुपए यहाँ पे जो लिमिट है जो मेरी यहाँ पे बची है इसी लिमिट को मैं अभी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके यहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ देख लेना है, ट्रांसफर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको करना है कि ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। तो ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे टैप करने से पहले आपको अपने बैंक अकाउंट को अच्छे से यहाँ पे चेक कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने बैंक अकाउंट को अच्छे से चेक करता हूँ, उसके बाद मुझे ऊपर करना है। तो यहां पे जब मुझे लिमिट को ट्रांसफर करना है तो 875 रुपए की मुझे लिमिट को यहां पे ट्रांसफर करना है। उसके बाद मुझे ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना। तो जैसे हमने अपने ओटीपी को फिल कर दिया, आपको जैसे ही ओटीपी को फिल करेंगे उसके बाद आपको कंफर्म वाला ऑप्शन यहां पे मिल जाएगा, आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना। तो जैसे आप कंफर्म वाले ऑप्शन पे आपको टैप करेंगे आपको थोड़ा सा यहां पे वेट करना पड़ेगा। तो यहां पे देख सकते हैं इंस्टेंट इस लिमिट को आप अपने बैंक अकाउंट में यहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं ऊपर की तरफ यहां पे मैसेज आ चुका है और जो यहां पे लिमिट थी वो मेरे
बैंक अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे मेरे बैंक की तरफ से मैसेज भी यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 875 रुपए की यहाँ पे लिमिट थी वो यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुकी है और इस लिमिट को इस एप्लीकेशन ने मेरे बैंक अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं आज ही की डेट है और 10:55 यहाँ पे हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने जो इस लिमिट को 875 रुपए अपने बैंक अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छी एप्लीकेशन है, आरबीएस अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। अगर आपको यहाँ पे एक ऐसी एप्लीकेशन की तलाश है जहां से आप इंस्टेंट इस लिमिट को अपने बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं तो आपको इस वीडियो को एकदम कंप्लीट यहाँ पे देखना है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है और कैसे आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए एलिजिबल यहाँ पे हो सकते हैं। अगर आपको इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना है आपकी जो एज है 18+ यहाँ पे होनी चाहिए और आपके पास एक पैन कार्ड साथ में आधार कार्ड यहाँ पे होना चाहिए। आपका जो सिबिल स्कोर है कम से कम 400 से लेकर 500 यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर यहाँ पे 500 से लेकर 600 भी है तो भी आपको इस एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो आत्मिया ने इस एप्लीकेशन का जो लोन है आपको लाइव प्रूफ अप्लाई भी किया और आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे मैसेज भी देख सकते हैं जो मेरी तरफ से बैंक का मैसेज यहाँ पे आ चुका है। तो 875 रुपए थे वो मेरे बैंक अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर हो चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पे जो लोन था लाइव प्रूफ आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाया और अपने बैंक अकाउंट में इसकी लिमिट को भी आपको यहाँ पे लेके दिखाया। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है। तो आप एप्लीकेशन की रेटिंग को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कहा था अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमारे को उसकी एनबीएफसी को चेक करना है, उसके बाद ही हमारे को लोन के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं 4.1 की इसकी रेटिंग है और 10,00,000+ इसके यहाँ पे डाउनलोड अभी तक यहाँ पे हो चुके हैं। अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो भी आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। आपको स्टार्टिंग पे पूरे 2,00,000 रुपए का यहाँ पे लोन मिल जाएगा। आप इसको ईएमआई के ऊपर भी यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोन करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे होने चाहिए। आपके पास एक आधार कार्ड यहाँ पे होने चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे पैन कार्ड यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग की जरूरत यहाँ पे पड़ सकती है क्योंकि यहाँ पे आपको अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए नेट बैंकिंग की जरूरत पड़ सकती है। साथ में आपको देनी पड़ेगी एक सेल्फी। आपकी जो एज है 21 साल की होनी चाहिए, आप एक इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। आपकी जो सैलरी है कम से कम 8,000 रुपए होनी चाहिए और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर करना है। तो यहाँ पे ईमेल सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत है आप इनसे ईमेल सपोर्ट से बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे इनका मिल जाएगा और एक अच्छी एप्लीकेशन है, आरबीएस अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ आ जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन को यहाँ पे प्रोवाइड कौन कर रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा गया कि यहाँ पे एप्लीकेशन को कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छी एप्लीकेशन है। अगर आपको एक ऐसी एप्लीकेशन की तलाश है तो आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी। यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जो एप्लीकेशन है फ्लेक्स पे पर्सनल लोन ऐप। तो आप इसकी रेटिंग को मैंने आपको बता दिया कि काफी अच्छी इसकी रेटिंग है और काफी लोगों ने इस एप्लीकेशन पे लोन भी यहाँ पे अप्लाई किया है। आपको स्टार्टिंग पे यहाँ पे जो लोन मिलेगा 2,00,000 रुपए का आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। सिर्फ आपको ओनली केवाईसी के ऊपर आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। आपको यहाँ पे वीडियो केवाईसी को सबमिट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 0% इंटरेस्ट पे आपको लिमिट मिल जाएगी। उसके बाद सेफ एप्लीकेशन है, सिक्योर एप्लीकेशन है, सपोर्ट अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं न्यू कॉल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और क्रेडिट लाइन आपको यहाँ पे एक मिल जाएगी। तो यहाँ पे इंस्टेंट जाके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।